अभी 2 दिन पहले इंटरनेशनल योगा डे था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योगा डे को लेकर जिस तरह से ढिंडोरा पीटा और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है वो योगा करते हुए अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए नजर आए। ऐसा ही एक वीडियो एक गुरुद्वारे का, गोल्डन टेम्पल अमृतसर का, इस गुरुद्वारे में एक सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर ने शीर्ष आसन किया। सिख समुदाय ने इस हरकत का विरोध किया। बवाल भरने के बाद इन्फ्लुएंसर ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और गोल्डन टेम्पल की परिक्रमा की। सुरक्षा में तैनात 3 सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि योगा करते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर के जरिए शेयर किया गया। उसके बाद गोल्डन टेम्पल में जब इसका विरोध हुआ, सिख समुदाय ने जब इसका विरोध किया, तो उसके बाद माफी मांगी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, और उसके साथ ही जो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात थे उन्होंने इसे योगा करने से क्यों नहीं रोका, इस बात को लेकर के गुरुद्वारे की तरफ से सस्पेंशन कर दिया गया उन दोनों का, दो सुरक्षा कर्मियों का। और उसके बाद यह मामला फिर हिंदूवादी संगठनों ने अपने हाथ में ले लिया। हिंदूवादी संगठन के बहुत से लोग सोशल मीडिया पर उतर आए, और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गुरुद्वारे में नमाज का वीडियो, एक कई वीडियो सामने आए थे, या तो कहीं पर पाबंदी है जैसे गुड़गांव में पाबंदी है नमाज पर, खुले में नमाज पढ़ने पर, तो कई बार गुरुद्वारों में नमाज अदा की गई। उस दौरान जब बहुत हंगामा हुआ, हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों का विरोध किया, सड़कों पर उतरे, मुसलमानों के साथ धक्का मुक्की भी कई जगह पर देखने में आई, तो ऐसे में सिख भाइयों ने मुसलमानों को के लिए अपने गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए और कहा कि आप जुम्मे की नमाज यहां गुरुद्वारों में आकर के पढ़िए। ऐसे ही एक हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाला जितेंद्र प्रताप सिंह है, जिसने ट्वीट किया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार आप गुरुद्वारे में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आप गुरुद्वारे में योग आसन नहीं कर सकते। सोचिए इनका कितना पतन हो गया है। तो इसका जवाब देते हुए एक देवेंद्र पाल सिंह हैं, इन्होंने जो जवाब दिया है इस जो है जमुरे को, वो काफी देखने वाला है। डीपी सिंह को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है, अबे नाटे औकात में रहे, हम गुरुद्वारे में ना योग होने देंगे, ना आरती, ना हवन, गुरुद्वारे में सिर्फ और सिर्फ इबादत होगी। और सुन, दो फुटिए दरबार साहिब की नींव मुस्लिम फकीर साई मियां मीर ने रखी थी, और गुरु ग्रंथ साहिब में मुस्लिम पीर शेख फरीद जी की वाणी दर्ज है। ये जवाब सुनने के बाद हिंदूवादी संगठन का ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे थे, शायद सकते में आ गए होंगे।